अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अरसलान अहमद और आप देख रहे हैं सैयद फाजिल बुखारी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एवलेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करने से, एवलेंस, व्हाट इज एवलेंस? आप सबको पता होगा कि एवलेंस बेसिकली रैपिड फ्लो ऑफ स्नो होता है, जो कि किसी भी पहाड़ से, किसी भी हिल से होता है। वो मुख्तलिफ वजूहत की वजह से होता है, लेकिन जो रैपिड फ्लो ऑफ स्नो है फ्रॉम हिल और माउंटेन, जो कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, तो इसको हम एवलेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके काजेज की बात करें कि होता क्यों है, तो इसमें डिफरेंट काजेज आ जाते हैं। टेरेन रिलेटेड भी होता है। टेरेन रिलेटेड से मतलब है कि भाई शेप ऑफ लैंड, ठीक है, किस एंगल से जो है वो माउंटेन है और किस एंगल से वहां से स्नो जो है वो फ्लो हो रहा है, शेप कैसा है उसका। ठीक है, ये भी वजूहत होती है। अगर ज्यादा वो हाइटेड और स्टीप सा है तो वो वहाँ से स्नो जल्दी से एवलेंस बन सकता है, क्योंकि स्नो के गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहाँ पे वो रिटेन नहीं हो पाता। उसके बाद स्नो पैक रिलेटेड भी होता है, मतलब कि जब आइस जम जाती है किसी भी पहाड़ पे, तो ऊपर से जब वो स्नो गिरता रहता है तो नीचे जमी हुई स्नो पैक्स जो बन जाते हैं ऐसे क्यूब से, उन पे लगातार आइस गिरने की वजह से उनमें डिस्टर्बेंस पैदा होती है, तो वो एक फ्लो बनता है, मोमेंटम बनता है, जिसके साथ एक दूसरे के पीछे पीछे जो है वो स्नो गिरती जाती है और इसी तरह से एक बड़ा एवलेंस बन जाता है। उसके बाद जो इसके वजूहत है दूसरी, उसमें हैवी स्नोफॉल, जब ज़्यादा तूफान आता है, स्नो आती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि एवलेंस हो जाए। उसके बाद स्नो स्टॉर्म्स में भी होता है, तूफानी जो है वो स्नो के जो तूफान होते हैं, जिसमें आपने देखे होंगे मूवीज में या फिर वीडियोज में इंटरनेट पर भी, तो वो भी एक सबसे बड़ी वजह बनती है। और मोस्टली जो है वो स्नो स्टॉर्म्स के बाद ऑलमोस्ट 24 घंटे बाद जो है वो एवलेंस बन सकता है, आ सकता है। उसके बाद जो एवलेंस के काजेज होते हैं, मैन रिलेटेड होते हैं, जिसमें मैन मेड काजेज आ जाते हैं। उसमें व्हीकल यूज होता है, मोटर व्हीकल, ये स्नो व्हीकल आप देख रहे हैं पिक्चर में, जब ये चलती है किसी भी स्नो पैक पे सरफेस पे, तो इसके चलने से जो है वो वाइब्रेशन पैदा होती है, और अल्टीमेटली वही वाइब्रेशन जो है वो स्नो पैक्स में जो है वो दरारें पैदा करती है, और इसकी वजह से जो है वो एवलेंस शुरू हो सकता है, बन सकता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क, इन पहाड़ इलाकों में जो है वो जब बर्फ गिरती है, जम जाती है, तो उसके बाद वहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो उसकी वजह से भी जो है वो एवलेंस स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद जो तीसरा मेन मेड फैक्टर है, मेन रिलेटेड फैक्टर है, वो है यूज ऑफ एक्सप्लोजिव। डिफरेंट चीज़ों के लिए एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कंस्ट्रक्शन के लिए भी करते हैं, या फिर किसी मिनरल्स वगैरह के लिए, या फिर कोई भी एक्सप्लोजन हो जाए जैसे सिलेंडर वगैरह, तो इसकी वजह से भी वहाँ से एवलेंस स्टार्ट हो सकता है किसी भी पहाड़ी इलाके में। तो अगर हम इसके इफेक्ट्स की बात करें एवलेंस के, तो सबसे बड़े लाइफ लॉस हो सकता है और होता भी है। इवन 2012 में जो है वो सचिन ग्लेशियर पे एवलेंस की वजह से 130+ पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स डेड हुए थे, तो दिस इज अगेन वेरी डिजास्टिंग इफेक्ट, लाइफ लॉस होता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, उसके बाद रोड्स, ट्रैफिक ब्लॉकेज हो जाती है, और जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद जो इसका लास्ट इफेक्ट पड़ता है, फ्लोरा एंड फौना, पौध पेड़ पौधे, ठीक है, प्लांट्स वगैरह जो है वो कम्प्लीटली तबाह हो जाते हैं, तो ये भी इसका इफेक्ट रहता है। मैनेजमेंट कैसे करनी है एवलांच की, तो आपने जो एरिया है, जो आपकी लैंड है, उसको हमने 3 जोन्स में डिवाइड करना है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन। ग्रीन मोस्टली सेफर और सेफेस्ट जोन होता है, जिसमें आप जो है वो टूरिज्म या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ऑरेंज जो जोन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप मूवमेंट कर सकते हैं, आप टूर कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो एक रेड जोन बनाया जाए, जिसमें कि ना टूरिज्म हो ना ही कंस्ट्रक्शन अलाउड हो, क्योंकि वहाँ पे चांसेस मोस्टली बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन, जो इदारे हैं जो इन चीज़ों को मैनेज करेंगे, वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनमें हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स दें उनको, उनकी कैपेसिटी हम बिल्ड करें, तो ये भी अगेन एक मैनेजमेंट हो सकती है बेहतर। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस, जो लोग वहाँ पे घूमने आते हैं पहाड़ी इलाकों में या वहाँ पे जो है रह रहे हैं, उनको अवेयरनेस देना कि कैसे एवलेंस से हम बच सकते हैं, कैसे जो है वो बचा जाए, ये अगेन जबरदस्त मैनेजमेंट होगी। उसके बाद एफोरेस्टेशन, प्लांटेशन हम करेंगे, तो उसकी वजह से भी जो है वो
कम हो सकती है मैनेजमेंट को, मतलब मैनेजमेंट बेहतर हो सकती है और एवलेंस के चांसेस कम हो सकते हैं। तो दीज आर द सम स्टेप्स टू अवॉइड एवलेंस। आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।